पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में मोदी के नाम की आंधी चल रही है, चुनाव में कांग्रेस साफ हो जाएगी, सपा और बसपा का तो खाता भी नहीं खुलेगा। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो विकसित भारत की गारंटी है। इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पिछले चुनाव की तुलना में अधिक लोगों का मतदान कराना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो रहे चुनावी महापर्व पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। 24 के लोकसभा चुनाव में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के इस चुनावी महापर्व में आंधी चल रही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सहित हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना है। आज भी मैं बरेली की आंवला लोकसभा और मैनपुरी लोकसभा से आ रहा हूँ। थोड़ा देरी हो गई इसलिए आपसे विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ। इतना करंट मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा, जो मोदी जी को लेकर के एक जादू पैदा। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो पश्चिम यूपी को अलग राज्य फिर से बनाने की उन्होंने, देखिए सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश, अर्थात सपा बसपा कुछ कहे तो ना उस पर आप भरोसा करिए ना उन पर जनता भरोसा करती है, इसे उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। जब सत्ता में थे प्रदेश में और देश उनके समर्थन से चलता था तब कुछ नहीं किए, तो आप क्या करेंगे। सर, आपके प्रत्याशी कहाँ है मुरादाबाद के, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लोगों में ये चर्चा है कि उनकी प्रत्याशी है। प्रत्याशी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चुनाव निशान कमल का फूल है। सर, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जो है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये तानाशाह करना चाह रही है और अगर कोई ऐसा करेगा तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए परिवारवादी दलों को ये बताना चाहते हैं कि अब भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों का इलाज करने वाली सरकार जनता ने बनाया है, वो सरकार आगे भी बनी रहेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जनता सजा देने की शक्ति माननीय मोदी जी को देने के लिए तैयार बैठी है। 4 जून 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सर, जो यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी है रुचि वीरा, वो कल आजम खां की, क्योंकि वो करीबी है तो कल उनका जो है वही रूप देखने को मिला और उन्होंने मंच से सपा समाप्तवादी पार्टी है। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहता हूँ, यहाँ ये मुरादाबाद में खड़ा हूँ, मुरादाबाद में अनेक प्रकार के मतलब पीतल का उद्योग का यह नगर है, यहाँ मूर्तियाँ भी बनती हैं, यहाँ बर्तन भी बनते हैं, यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में निर्यात होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी गुंडे अपराधी माफिया दंगाई भ्रष्टाचारी पैदा करने की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री पे अलीगढ़ का ताला जनता लगाने जा रही है। धन्यवाद। एक प्रधानमंत्री को एएनआई ने इंटरव्यू दिया है, एएनआई को, तो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है भविष्य में पछताना पड़ेगा इस पर। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको मानिए और सुनिए, मोदी जी भारत माँ के पुजारी हैं, अब भारत माँ का मस्तक सदा ऊँचा रहे वही काम करेंगे। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।